गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर मोस्ट वेलकम टू थिंक गाइस चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस घटना चक्र दृष्टि, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 ईयर करंट अफेयर्स फॉर UPSC एंड UPPSC प्रीलिम्स। लेट अस बिगिन द टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं चक्रवात आसानी। 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। 11 मई 2022 को इसने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम एवं नरसापुरम के मध्य लैंडफॉल किया। लैंडफॉल मतलब बारिश की। आसानी नाम किसने दिया? श्रीलंका ने दिया। इससे पूर्व दिसंबर 2021 में जवाद नामक चक्रवात ने भारत में लैंडफॉल किया था, बारिश की थी। जवाद नाम सऊदी अरब द्वारा सुझाया गया। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस। 26 मार्च 2022 में फिलीपींस स्थित ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी फिलीपींस की राजधानी मनीला से 50 किलोमीटर साउथ में स्थित लुजोन द्वीप पर स्थित है। इमनाती चक्रवात जो है 22 से 23 फरवरी 2022 के मध्य मेडागास्कर के तटीय शहर मनाकारा के दक्षिण पूर्व में टकराया, लैंडफॉल किया उसने। यह तूफान मॉरिशस और रीयूनियन फ्रांस से होते मेडागास्कर के पूर्वी तट पर पहुंचा। इसकी उत्पत्ति 16 फरवरी को मध्य हिंद महासागर के ऊपर हुई। इमनाती वर्ष 2022 में मेडागास्कर में लैंडफॉल करने वाला चौथा उष्णकटिबंधीय तूफान है। इसके पूर्व तूफान एना, बस्सिराई एवं डुमाको मेडागास्कर को प्रभावित कर चुके। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट, होंगा टोंगा। 15 जनवरी 2022 को टोंगा के दक्षिणी प्रशांत द्वीप में एक बृहद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह विस्फोट समुद्र के अंदर स्थित होंगा टोंगा नामक ज्वालामुखी में हुआ। वर्ष 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो विस्फोट के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था। इस ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख का गुबार मध्यमंडल मीजोस्फीयर तक पहुंचा। टोंगा द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। रिंग ऑफ फायर विश्व के कुल ज्वालामुखी विस्फोट में से 75% एवं वैश्विक भूकंप के 90% के लिए उत्तरदायी है। पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल इमरजेंसी ऑफ एनवायरनमेंट। तो पर्यावरणीय आपातकाल लगा कहाँ पर? पेरू में 15 जनवरी 2022 को पेरू के समुद्री क्षेत्र में 6000 बैरल कच्चे तेल के रिसाव के परिणाम स्वरूप 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। यह घटना पेरू की राजधानी लीमा से करीब 30 किलोमीटर उत्तर में ला पैम्पिला रिफाइनरी में बंदरगाह शहर कैलाओ के वेंटानीला जिले में हुई। माउंट सेमेरु ज्वालामुखी विस्फोट। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरो ज्वालामुखी में 4 दिसंबर 2021 को विस्फोट हुआ। इस ज्वालामुखी को महामेरु द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। यह द्वीप जावा का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी है। टाइफून राय 16 से 18 दिसंबर 2021 के बीच टाइफून राय RAI राय फिलीपींस के तट से टकराया। इसे सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राय को फिलीपीन में सुपर टाइफून ओडेट के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र RSMC टोक्यो टाइफून का नाम रखने के लिए उत्तरदायी है। राय नाम माइक्रोनेशिया द्वारा सुझाया गया। माउंट एसो ज्वालामुखी 20 अक्टूबर 2021 को जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू पर स्थित माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। फुकुटोकु ओकानोबा ज्वालामुखी जापान। 13 अगस्त 2021 को फुकुटोकु ओकानोबा ज्वालामुखी जापान तट से दूर प्रशांत महासागर में प्रस्फुटित हुआ। यह जापान के मिनामी इवो जीमा द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? मिनामी इवो जीमा द्वीप के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यह एक पनडुब्बी ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट मेरापी 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट। अगस्त 2021 में यहाँ स्थित 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटना दर्ज हुई। इसमें पावलोफ, ग्रेट सिटिकन एवं एल्यूशियन द्वीप में स्थित सेमी सोपोचनाय
सेमी सोपोच नॉय, ज्वालामुखी शामिल है। चक्रवात गुलाब। सितंबर 2021 में भारत का पूर्वी तट चक्रवात गुलाब से प्रभावित हुआ। इसने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के बीच के भूभाग को प्रभावित किया। इसका नामकरण गुलाब पाकिस्तान द्वारा किया गया। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला है, नेचुरल डिजास्टर की भविष्यवाणी करने वाला है। 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया। ऐप का निर्माण IIT रुड़की तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया। ऐप संभावित प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी कर देगा। यह प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा ताकि समय पूर्व प्रबंधन संभव हो सके। तुर्की में सी स्नॉट का प्रकोप। जून 2021 में ब्लैक सी काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाली तुर्की के मरमरा सागर में सी स्नॉट का प्रकोप देखा गया। सी स्नॉट होता क्या है? सी स्नॉट या समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ या पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। वास्तव में यह समुद्री श्लेष्म मरीन म्यूसिलेज है कि एक मोटी झाग युक्त परत है, लेयर है, जो जल में उपस्थित शैवाल से निर्मित होती है। बेसिकली क्या है कि जो समुद्री सीवेज है, जो इस्तांबुल का पूरा सीवेज है, वो मरमरा सी में डिपॉजिट होता है, तो उसी सीवेज की वजह से सी स्नॉट बन गया है। अब सूक्ष्म दृष्टि डाल देते हैं। भारत के किन दो शहरों ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता अप्रैल 2022 में? हैदराबाद और मुंबई ने। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई के रूप में घोषित किया 10 मार्च 2022 को? कतर को। लोकतंत्र सूचकांक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया फरवरी 2022 में? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा। नवीनतम सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 167 देशों को डेमोक्रेसी इंडेक्स में। सूचकांक 2021 में तीन शीर्ष देश कौन से हैं? नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। किसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स में? टॉप थ्री कंट्रीज़ हैं 2021 में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। सूचकांक 2021 में निचले स्थान पर तीन देश रहे, 167 अफगानिस्तान, 166 म्यांमार, 165 नॉर्थ कोरिया। भारत ने सूचकांक 2021 में 6.91 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? 46। किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी 10 फरवरी 2022 को? किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी 10 फरवरी 2022 को? इसराइल ने। अब भारत ने भी दे दी है। भारत की नई ड्रोन पॉलिसी आई, नए नियम बने हैं। 70 वर्ष तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट सम्राग्री बनी 6 फरवरी 2022 को महारानी एलिजाबेथ। वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया 5 फरवरी 2022 को? मैकी सेल ने। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की 1 फरवरी 2022 को? यूरोपीय संघ के साथ। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया 31 जनवरी 2022 को? सऊदी अरब में। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी 29 जनवरी 2022 को? आसियान के साथ। किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है 28 जनवरी 2022 को? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई 27 जनवरी 2022 को? भारत द्वारा। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ पहला संबंध बहाल किया? थाईलैंड के साथ, क्योंकि थाईलैंड के एक व्यक्ति ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के यहाँ चोरी कर ली थी और चोरी का माल लेकर के थाईलैंड चला गया। लेकिन जब थाईलैंड से कहा गया कि माल वापस करे, थाईलैंड सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उस चोर को, और उससे माल भी जब्त कर लिया। जब वापसी की बारी आई तो थाईलैंड सरकार के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने घोटाला कर लिया। तो इस वजह से सऊदी अरब ने थाईलैंड के साथ रिश्ते पूरी तरीके से औपचारिक रूप से बंद कर दिए थे 26 जनवरी 2022 को। सऊदी अरब ने 30 वर्षों के विवाद के बाद थाईलैंड के साथ संबंध बहाल किए। भारत और इसराइल ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को
चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया। लोगो में क्या है? 25 जनवरी 2022, अशोक चक्र और डेविड का सितारा, स्टार ऑफ डेविड। किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया? 20 जनवरी 2022, मॉरिशस के। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की गई चीन द्वारा। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी 18 जनवरी 2022 को, जकार्ता से कालीमंतन में। राजधानी का नाम नुसंतरा है या नुसंतारा है। नुसंतारा का मतलब होता है, ये हिंदू एक नाम है एक नुसंतारा, और एक बड़े राज्य की परिकल्पना है नुसंतारा, एक बड़े हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है नुसंतारा। नेपाल के प्रांत 2 प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया 17 जनवरी 2022 को? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है 6 जनवरी 2022 को? फिलीपींस ने। बांग्लादेश के किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत वर्ल्ड बेस्ट न्यू बिल्डिंग घोषित किया गया 2022 में? फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की 29 दिसंबर 2021 को? पाकिस्तान ने। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है 1 जनवरी 2022 को? ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? भारत है, 10 वर्ष के अंतराल के बाद। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की थी? बेल्जियम ने। किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की? न्यूजीलैंड ने। संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रेड्स SCO की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की 28 अक्टूबर 2021 को? भारत ने। किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया 2021 को? निकारागुआ ने। किस यूरोपीय राष्ट्र संघ ने भांग कैनेबिस के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है 14 दिसंबर 2021 को? माल्टा ने। किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया 13 दिसंबर 2021 को? सऊदी अरब ने। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है 17 दिसंबर 2021 को? दुबई। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो प्रदान किया 17 दिसंबर 2021? भूटान ने। इस पुरस्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नगदग पेल गी खोर लो। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया 10 दिसंबर 2021 को? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी 5 दिसंबर 2021 को? स्विट्जरलैंड ने। क्या नाम है इसका? यूथेनेशिया। किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की 2 दिसंबर 2021 को? साउथ सूडान ने। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारंपरिक मान्यता पर समझौता किया 23 नवंबर 2021 को? नेपाल। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया 23 नवंबर 2021 को? नेपाल। वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की 18 अक्टूबर 2021 को UK के साथ। वह दो देश जिनके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया 17 सितंबर 2021 को जर्मनी और रशिया के बीच में। धन्यवाद।